इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, ये कॉर्डलेस ड्रिल मशीन और ये कभी ना खराब होने वाली ड्रिल मशीन, क्यों आगे पता चल जाएगा। तो हे दोस्तों, आप देख रहे हैं वीपो वीडियो और आज के इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एकदम लेटेस्ट जमाने की एकदम लेटेस्ट ड्रिल मशीन जो कि है जेपीटी कंपनी की तरफ से। और इसकी खास बात यह है कि इसमें यूज हुई है बस लेस डीसी मोटर और इसीलिए इसे मैंने बोला कभी ना खराब होने वाली ड्रिल मशीन क्योंकि इसमें बस लेस मोटर का इस्तेमाल किया गया है। चलो फटाक से अनबॉक्स करते हैं और जानते हैं इसके फीचर्स। तो बॉक्स के सबसे ऊपर हमें मिलता है इसका वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल और यहाँ पे हम लोग मस्त तरीके से अपने बिट्स भी रख सकते हैं। इसे ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमें मिला इसका चार्जर, दो लिथियम आयन बैटरी सेट्स, ये बहुत ही मस्त बात है, एक यूज करेंगे एक चार्ज पे लगा देंगे, और इसकी मेन मोटर यूनिट। तो इसमें बैटरी लगाना भी काफी आसान है। इसका आरपीएम 550 तक जाता है, बहुत कम है। इसका 1550 तक जाता है, इसका 2250 तक आरपीएम जाता है, और ये इलेक्ट्रिक वाली है इसका आरपीएम 2900 तक जाता है। लेकिन कॉर्डलेस में इसका आरपीएम यहाँ पे सबसे ज्यादा है, यानी कि इससे काम भी फास्ट होगा। ऊपर के स्विच से नंबर एक पे आने पर आपको 600 का आरपीएम मिलेगा और नंबर दो पे जाने पर आपको 2250 का आरपीएम मिलेगा। और इसके टॉर्क की बात करें तो आपको 25 से लेकर 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से हो जाएंगे। ये दोनों ड्रिल मशीन एक ही कंपनी की है और इसमें एक और डिफरेंस है, ये वाली मशीन में आपको इम्पैक्ट का फीचर मिलता है, यानी कि एक इम्पैक्ट ड्रिल मशीन है। इसकी वजह से हम लोग ईंट और दीवारों में भी होल कर सकते हैं लकड़ी और मेटल के अलावा। इस वाली मशीन में हम लोग सिर्फ लकड़ी और मेटल में होल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका आरपीएम ज्यादा है तो हम लोग लकड़ी और मेटल में होल थोड़ा ज्यादा तेजी से कर पाएंगे। यहाँ पे एक और फीचर है कि आपको ड्रिल मशीन में बैटरी स्टेटस दिखता है कि बैटरी कितनी चार्ज है, कितनी बची है, और जब आप इसकी बैटरी को चार्ज करेंगे तो जो बैटरी चार्ज हो रही होगी तब इसमें रेड लाइट का एलईडी जलेगा और जब चार्ज हो जाएगी तो ग्रीन लाइट जलने लगेगी। तो सबसे पहले 20mm की प्लाई पे 8mm की वुड बिट के साथ कैसे स्टार्ट करते हैं। आपकी बात 10mm की बिट है और लकड़ी है, आपकी बात प्लाई नहीं है, जो कि बहुत ही मजबूत भारी वाली लकड़ी है, शायद साखों की लकड़ी से बोलते हैं, बहुत मजबूत भाई, बहुत भारी भी है ये। भाई दोनों में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी लकड़ी सच में बहुत ज़्यादा मजबूत थी, हालत खराब हो गई। यार पूरा हाथ लाल हो गया, कभी भी लो आरपीएम मशीन से साखों की लकड़ी पे होल मत करना, घंटों लग जाएंगे, इससे भी 3 मिनट के ऊपर लग गए, मतलब हालत खराब हो गई। तो अब की बार मैदान में है 16mm की स्पेक बिट। तो अब बारी मेटल में होल करने की, भाई तुम तो ना हो पाएगा, तुम पहले किनारे हट जाओ। लेकिन कुछ ज्यादा मोटा मेटल नहीं, इसके लिए भाई बहुत बड़ी मशीन चाहिए, लेकिन यार कोशिश तो की जा सकती है। यहाँ पे मेरे पास एक वेट है जिसमें पहले से ही होल है, इसी होल के बगल में हम लोग इसी मशीन का यूज करके होल बनाने का ट्राई करते हैं। आर पार होल हो गया एक बांट में, वो भी इस मशीन का यूज़ करके। बस आपको जो बिट यूज़ करना है वो काफ़ी अच्छी हो, और अगर मेरे पास इससे अच्छी वाली बिट होती तो काम और जल्दी और आसानी से हो जाता, लेकिन फिर भी काम हो गया। एक बार फिर से फंस गई एल्युमिनियम का भगोना, जिसे हमने हर बार शिकार बनाया है ड्रिल मशीन की वीडियो में। अब यहाँ पे इतने मोटे आयरन के इस पाइप में होल करने वाले हैं।
कि कॉर्डलेस मशीन ड्रिल एंड ड्राइवर मशीन होती है, यानी कि इससे ड्रिल तो कर ही सकते हैं, स्क्रू वगैरह को भी टाइट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलते हैं पूरे के पूरे 25 टॉर्क सेटिंग, कम से लेके ज़्यादा तक और बहुत ज़्यादा तक, और भाई काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है टॉर्क का, जिसको अपनी जरूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं स्क्रू को टाइट ओपन करने के लिए। तो चलो स्क्रू को भी टाइट ओपन करने की टेस्टिंग करते हैं। ये वो वाला स्क्रू है जो कि फैब्रिकेशन वाले यूज़ करते हैं टीन सेट को लोहे पे फिक्स करने के लिए। हम लोग इसे लकड़ी पे लगाएंगे, उसके बाद लोहे पे भी लगाएंगे, देखते हैं इस मशीन से हो पाएगा या कि नहीं। यहाँ पे हम लोग 8mm के हेक्स सॉकेट का यूज़ कर रहे हैं, जो कि मेरे को एक सेट में मिला था, उसकी भी लिंक मैं आपको वीडियो पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसने काफ़ी आसानी से इतने मोटे आयरन के पाइप में इस वाले स्क्रू को भी टाइट कर दिया, यानी कि फैब्रिकेशन के लिए भी काम आसान हो जाएगा। ये लकड़ी बहुत मजबूत है, इसमें पेंच कसना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ट्राई करते हैं, आराम से कसना होगा, नहीं तो पेंच टूट सकता है। कस गया। जब साखों के लकड़ी में पेंच टाइट हो गया तो भाई प्लाई वगैरह तो कुछ है ही नहीं, आराम से काम होगा प्लाई वगैरह में। जिस हिसाब से इसने स्क्रू वाले काम को हैंडल किया भाई, कार्पेंटर्स के लिए तो बहुत आसान होने वाला है। तो इस वीडियो में हमने देखा ये ब्रशलेस डीसी मोटर वाली ड्रिल मशीन। अगर आपको आज का वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो भाई वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिनको एक ड्रिल मशीन की जरूरत है, वो भी कॉर्डलेस वाली। इसकी बेस्ट वायरिंग आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ पर जाके ले सकते हैं। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही, टाटा बाय बाय। कमेंट में ये जरूर से बताना अगली बार किस पावर टूल की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।